Good morning, friends. My name is Sachin Patil from Law Prep Tutorial. Umeed karta hoon aap logon ki is lockdown situation mein, conditions mein, aap logon ki preparation online video ke dwara achhi chal rahi hogi. Jaisa ki kal hamare desh ke Prime Minister Narendra Modi ji ne lockdown ko extend kar diya hai. और ये लॉकडाउन अब 3 मई तक रहेगा तो जो हमारे क्लैट एस्पिरेंट्स हैं या अदर लॉ एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन वीडियो के तहत भी इस प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं बिना किसी टेंशन के बिना किसी परेशानी के आप प्रिपरेशन करते रहिए और इसी वजह से कोरोना वायरस की महामारी की वजह से क्लैट का एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुका है 24 मई को ये कराया जाएगा तो हमारे पास अभी टाइम है हमारी प्रिपरेशन को करने के लिए हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें हम हमारे टारगेट को अचीव कर सकें और ऑनलाइन वीडियो को हम देख सकें हमारी ऑफिशियल साइट पर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हमारी टीम के द्वारा प्रिपेयर किए गए लेक्चर्स वीडियोस जो ऑफलाइन एस्पिरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी ऑफलाइन मोड पे प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए भी फ्री ये कोर्स मटेरियल इस साइट पे प्रोवाइड किया गया है वीडियो के साथ साथ में आप इसके कंटेंट को पीडीएफ फॉर्म में भी इस साइट पर ले सकते हैं देख सकते हैं प्रिपरेशन कर सकते हैं तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आज हम हमारी पहली लाइव क्लास में आज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं जो कि है ऑल अवार्ड्स 2019-20 ध्यान रखिएगा हमारे एग्जाम में लास्ट प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसमें एक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है अवार्ड्स ने अवार्ड से काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं और यदि ये क्वेश्चंस के आंसर्स हम बनाए एग्जाम में तो ये हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा काफी बच्चों में हम इन इन कैटेगरीज को सॉल्व कर करके हम आगे निकल सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का ये लाइव क्लास हमने इस टॉपिक पे रखी है आपके जो भी जीके से रिलेवेंट क्वेरीज हो क्वेश्चंस हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के टेंशन के बिल्कुल आप पूछिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका उनका एनालिसिस दूंगा उनके सारे सवाल दूंगा सॉल्यूशंस मैं आपको आपको दूंगा उसी के साथ हम आगे बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम हमारी क्लास को ऑल अवार्ड्स 2019-20 इसी में हम आगे चलते हैं ये हमारा इंडेक्स है नोबेल प्राइज 2019 रेमन मैक्सेसे अवार्ड 2019 ऑस्कर अवार्ड 2020 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI अवार्ड 2019 नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 भारत रत्न 2019 एंड पद्म अवार्ड्स 2020 ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 सरस्वती सम्मान 2019 एंड व्यास सम्मान 2019 आज हमारे अवार्ड कैटेगरी इंडेक्स में ये सारे टॉपिक्स पर हम आगे डेप्थ में चर्चा करेंगे देखते हैं फर्स्ट नोबेल प्राइज 2019 नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है अवार्ड होता है प्राइज होता है जो कि सिक्स फील्ड में दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा तो 2019 का जो नोबेल प्राइज है वो दिया जा चुका है 10 दिसंबर को
ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि जो होती है डेथ एनिवर्सरी 10 दिसंबर को, उस दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि 10 दिसंबर को होता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ध्यान रखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी नोबेल प्राइज में, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2019। ये अवार्ड तीन लोगों को दिया गया है, जेम्स पीबल्स जो कि कनाडा से हैं, माइकल मेयर जो कि स्विट्जरलैंड से हैं, और डीडियर क्वेलोस ये भी स्विट्जरलैंड से हैं। इन तीनों को ये अवार्ड फिजिक्स में 2019 का दिया गया है। और किस चीज के लिए ये अवार्ड दिया गया है, किस इन्वेंशन के लिए, तो जेम्स पीबल्स फॉर थियोरेटिकल डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी में इनको ये प्राइज दिया गया है फिजिक्स का। और इसी के साथ माइकल मेयर और डीडियर क्वेलोस ने डिस्कवरी की है एक नए प्लैनेट की जिसका नाम है 51 पेगासी बी, जो कि एक स्टार के अराउंड घूम रहा है। तो इस नए प्लैनेट की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन दोनों को, माइकल मेयर और डीडीआर क्वेलेस को दिया गया है, साथ में जेम्स पीबल्स को भी इसमें ये अवार्ड दिया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019। इस बार ये अवार्ड तीन लोगों को दिया गया है, जॉन बी गुडन नफ, एम स्टैनले वाइटिंगम, अकीरा योशी नो, ये तीनों को एक साथ केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। जॉन बी बिलोंग करते हैं जर्मनी से, स्टैनली बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम से, और अकीरा योशिनो बिलोंग करते हैं जापान से। इनको ये अवार्ड दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज के आविष्कार के लिए इनको ये केमिस्ट्री का 2019 का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिकल मेडिसिन 2019 का ये अवार्ड भी तीन लोगों को दिया गया है, विलियम जे कैलन जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, सर पीटर जे रेडक्लिफ जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, और ग्रेग एल सिमेंजा जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। इन तीनों को मेडिसिन के क्षेत्र में 2019 का ये नोबेल प्राइज दिया गया है। इनको इनकी डिस्कवरी सेल सेंस एंड एडप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए ये दिया गया है कि किस तरीके से कोशिकाओं में जीवन और ऑक्सीजन की क्षमता लेने की शक्ति है होती है, इसलिए मेडिसिन में ये आविष्कार के लिए ये जानकारी देने के लिए ये अवार्ड मेडिसिन का दिया गया है। अगले अवार्ड कैटेगरी की हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2018 एंड 2019। ध्यान रखिएगा 2018 का नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में नहीं दिया गया था, जो कि दिया गया है 2018 का 19 में, और 19 की कैटेगरी के लिए भी दिया गया है। तो दो लोगों को यह अवार्ड दिया गया है 2018 एंड 2019। ओल्गा टुकरजुर्क जो कि पोलैंड से हैं, इनको 2018 का नोबेल पुरस्कार लिटरेचर का दिया गया है, और पीटर हैंडके जो कि ऑस्ट्रिया से हैं, ये ऑथर 2019 के लिए इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन पीस 2019। पीस का नोबेल प्राइज 2019 का अबी अहमद अली को दिया गया है, जो कि इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको ये प्राइज क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने 1998 से 2000 के बीच चल रहे इथोपिया इरिट्रिया जो वॉर है, इसमें शांति का दूत बनने के लिए दोनों के बीच में शांति वार्ता ऑर्गेनाइज कराई गई, शांतिपूर्ण तरीके से इस युद्ध को समाप्त किया गया, समझौता किया गया, इस वजह से अबी अहमद अली को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पीस प्राइज 2019 दिया गया।
इसके आगे हम बात करते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस 2019 और 2019 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज तीन लोगों को दिया गया। अभिजीत बैनर्जी भारतीय मूल के व्यक्ति इकोनॉमिस्ट जिनको ये अवार्ड दिया गया है, 1961 में ये बॉर्न हुए थे और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। एस्थर डफलो जो कि अभिजीत बैनर्जी की वाइफ है जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं, और माइकल क्रेमर यूएसए से बिलोंग करते हैं। इन तीनों को इकोनॉमिक साइंस 2019 का नोबेल प्राइज दिया गया। इनको वैश्विक भुखमरी गरीबी के शोध के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं नोबेल प्राइज हिस्ट्री की। ध्यान रखिएगा अभी तक का जो भी हमने सिनेरियो देखा 2019 प्राइज का, ये करंट अपडेट से रिलेवेंट क्वेश्चंस जितने भी आपसे पूछे जाएंगे उनकी डिस्कवरीज को लेकर के, उनके कंट्रीज को लेकर के, कितनी कैटेगरीज में दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है, तो ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट सिनेरियो। लेकिन हम बात करें इनके स्टैटिक के बिहाफ में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और हमें ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस को निगलेक्ट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज हिस्ट्री की। नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ कैसे हुआ इसकी हम एक कहानी सुनते हैं। अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड जो है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इनका जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में। ये जाने माने इंजीनियर केमिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया, और इस आविष्कार की वजह से इनको कई सारे कंट्रीज से इनको पैसा इस आविष्कार के बदले में मिला। मतलब कि जब इन्होंने इस चीज की खोज की और इसका पेटेंट कराया और अदर कंट्रीज ने अपने माइनिंग के काम में, डिफेंस के काम में जब इसको खरीदा, तो इसके बदले में नोबेल साहब को काफी सारा पैसा मिला। इसके अलावा 27 नवंबर 1895 इन्होंने अपने अंतिम समय में, इन्होंने अपने वसीयतनामे में, या इनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मेरे द्वारा इस कमाए गए पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना हम ऐसी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों के द्वारा किए गए आविष्कार इन्वेंशन को लेकर के हम उन्हें सम्मानित करें। जिसे ध्यान में रखते हुए इनकी डेथ के बाद 1896 में नोबेल साहब की डेथ हुई, और रेगनर और रुडोल्फ ने मिलकर के 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की। इस नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाना शुरू किया गया, और पहला अवार्ड दिया गया 1901 में। ये है नोबेल प्राइज की हिस्ट्री। इसके आगे हम बात करते हैं फर्स्ट जो एडिशन हुआ 1901 में, ये उनके अवार्ड विनर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ध्यान रखिएगा यहां पे एक चीज मैंने मेंशन की है, आपको दिख रहा होगा 1968 स्वेरिजस रिक्स बैंक स्वीडन सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश द स्वेरिजस रिक्स प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ध्यान रखिएगा 1901 में जब इस अवार्ड को देना शुरू किया गया तब इसे पांच कैटेगरी में दिया जाता था, जैसा कि आपको दिख रहा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, यानी इसमें इकोनॉमिक साइंस शामिल नहीं था। लेकिन 1968 में फाउंडेशन के द्वारा एक डिसीजन ये लिया गया कि 1969 से हम इकोनॉमिक्स साइंस को भी इस कैटेगरी में शामिल करते हैं, और 1969 में इस प्राइस को देना शुरू किया गया। सारे प्राइस स्वीडन देता है,
लेकिन पीस का नोबेल प्राइज अनाउंस करता है नॉर्वे, ध्यान रखिएगा, पीस का नोबेल प्राइज नॉर्वे अनाउंस करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज, तो आंसर है मैडम क्यूरी, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903, यानी थर्ड एडिशन नोबेल प्राइज के, जिसमें पहली महिला विश्व की जिसको नोबेल प्राइज दिया गया, तो वो है मैडम क्यूरी। इसके अलावा हम बात करते हैं 1904, वो वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनाइजेशन या वो पहली संस्था जिसमें नोबेल प्राइज दिया गया, जिसको नोबेल प्राइज दिया गया, और वो कैटेगरी थी पीस कैटेगरी, और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये वो संस्था है जिसको ये प्राइज दिया गया। इसके आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का पहला 1969 में ये अवार्ड रैग्नर फ्रिश और जेन टिनबर्गन को दिया गया था। इसके आगे हम बात करते हैं नोबेल प्राइज विनर के इतिहास की, हम बात करते हैं द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट विनर मलाला यूसुफजई, जिसको 2014 में 17 साल की उम्र में पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, इसके आगे हम बात करते हैं द ओल्डेस्ट नोबेल लॉरेट विनर जॉन बी गुड इनफ, 97 की एज में इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 2019 में दिया गया। ध्यान रखिए, एक ये हमारे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन या करंट अफेयर्स में भी इस टाइप से क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। इसके अलावा हम बात करें मल्टीपल नोबेल प्राइज लॉरेट्स की, जिन्होंने एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज हासिल किया है, तो ये नाम है जॉन बार्डन, फिजिक्स में ही इनको दो बार नोबेल प्राइज दिया गया है, एक तो 1956 में और एक 1972 में। मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी, फिजिक्स में 1903 में इनको नोबेल प्राइज विश्व का पहला मिला, पहली महिला, और दूसरा केमिस्ट्री में 1911 में इनको दूसरी बार नोबेल प्राइज मिला। लिनस पॉलिंग केमिस्ट्री 1954 इनको पहला प्राइज मिला और दूसरा प्राइज पीस के लिए 1962 में दिया गया। फ्रेडरिक सेंगर केमिस्ट्री 1958 में मिला और दूसरा केमिस्ट्री के लिए 1980 में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जिनको एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है, तो UNHCR इस ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए एक यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है जिसको बनाया गया रेफ्यूजीज के लिए, UNHCR, इसको दो बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, पीस 1954 और 1981। इसके अलावा तीन बार नोबेल प्राइज पीस का पाने वाली संस्था ICRC, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस, हेनरी ड्यूनेंट, ध्यान रखिएगा हेनरी ड्यूनेंट, देख सकते हैं 1901 में पीस का नोबेल प्राइज हेनरी ड्यूनेंट स्विट्जरलैंड इनको दिया गया था। ये वही हेनरी ड्यूनेंट हैं जिन्होंने ICRC की स्थापना की थी 1863 में, जिसको पीस का नोबेल प्राइज तीन बार दिया गया है, 1917, 1944 एंड 1963। इसके आगे हम बात करते हैं नोबेल प्राइज अमाउंट की, तो 2019 में जो इसका एरिया जो सेट किया गया वो है स्वीडिश क्रोन 9 मिलियन, 9 मिलियन मतलब लगभग 6.5 करोड़ रुपए इसमें दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है, स्वीडन की करेंसी क्या है, तो स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोन। इसके आगे हम बात करते हैं 1901 से 2019 तक, मतलब 1901 से 2019 तक, अब तक कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, कितनी टाइम्स दिया जा चुका है, तो 597 टाइम्स ये प्राइज दिया जा चुका है अलग अलग फील्ड्स में। इसके अलावा हम बात करते हैं
923 विनर और इसमें 27 ऑर्गेनाइजेशन है, 950 लोगों को ये दिया जा चुका है 1901 से लेकर के 2019 तक। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 10th दिसंबर ईच ईयर द नोबेल प्राइज इज प्रेजेंटेड, मतलब हर साल की 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल लॉरियट्स की, अब तक कितने भारतीयों को ये प्राइज मिल चुका है। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, लिटरेचर में ये दिया गया था, इनके पोयम कलेक्शन गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार लिटरेचर में इनको दिया गया था। दूसरा हम बात कर लेते हैं सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, और फिजिक्स में नोबेल प्राइज पाने वाले ये पहले एशियन थे, ध्यान रखिएगा, जिनको ये प्राइज दिया गया। हर गोविंद खुराना जिनको 1968 में फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में ये दिया गया अवार्ड। इसके बाद बात करते हैं पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा जिनको 1979 में पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर इनको 1983 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, अभी तक एकमात्र भारतीय इकोनॉमिक्स के जिनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का 1998। और वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 केमिस्ट्री, और कैलाश सत्यार्थी 2014 पीस का नोबेल प्राइज 2014 में इनको दिया गया है। तो ये जानकारी थी नोबेल प्राइज से रिलेवेंट, इसके प्रेजेंट सिनेरियो से लेकर के उसके पास्ट, और इंडियन विनर्स नोबेल प्राइज से। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस जो भी क्वेश्चन से रिलेवेंट आपसे पूछा जाएगा उसके सारे आंसर्स हमने इस स्लाइड में इस वीडियो में कवर अप किए हैं। इसके आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी की तरफ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019। रेमन मैग्सेसे 2019 के बारे में, मैं रेमन मैग्सेसे के अवार्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एशियास नोबेल प्राइज, तो आंसर है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 दिया गया है, इस बार 5 लोगों को दिया गया। किम जोंग की साउथ कोरिया से हैं, को स्वे विन म्यांमार, रविश कुमार, ये हाईलाइट इसीलिए मैंने किया है रेड कलर से क्योंकि ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय को दिया गया है, तो रविश कुमार इंडिया, एनडीटीवी न्यूज चैनल प्राइम टाइम शो के ये एडिटर हैं, न्यूज एडिटर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा अंगखाना नीला पेजित थाईलैंड, और रेमंडू पुंजाते फिलीपींस जिनको ये अवार्ड दिया गया है। 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड 5 लोग को दिया गया है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट रविश कुमार इंडिया जिसको ये अवार्ड दिया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया एशियास प्रीमियर प्राइज या एशियास नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, जो इक्विवेलेंट है नोबेल प्राइज के, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एशियास नोबेल प्राइज कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ये कब एस्टैब्लिश हुआ, तो 1957 में इसकी शुरुआत की गई। ट्रस्टीज ऑफ न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलीपींस गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की थी। तीसरे प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, एशियंस को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं में ये प्राइस किन भारतीयों को दिया गया था, तो भारत
वातवानी एंड सोनम वांगचुक को दिया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं भारतीयों की, तो फर्स्ट अवार्ड जो शुरू है ये 1958 में दिया गया था और रॉबर्ट डिक, विनोबा भावे, मैरी एच रटनम, ये तीन लोगों को 1958 का रेमन मैग्सेसे पहला दिया गया था। इसके बाद करते हैं हम भारतीयों की बात करें कि पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला, तो आचार्य विनोबा भावे 1958, फर्स्ट इंडियन वुमेन विनर मदर टेरेसा जिनको 1962 में दिया गया था, और 1958 से 2019 तक अब तक ये 56 इंडियंस को दिया जा चुका है। इसके आगे हम बात हमारे तीसरे कैटेगरी की ओर, ऑस्कर अवार्ड 2020। ऑस्कर अवार्ड पूरी दुनिया का फिल्म सिनेमा में फिल्म में कंट्रीब्यूशन में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड। इसे हम एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे प्रेजेंट करता है द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, और ये हर साल कहां पे ऑर्गेनाइज होता है, लोकेशन तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और 2020 इसका एडिशन 92nd नंबर का था, 92 नंबर का ये अवार्ड सेरेमनी थी जो कि 2020 में कराई गई। अब हम कैटेगरी देख लेते हैं कि 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया, तो पैरासाइट मूवी को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर, पैरासाइट मूवी के ही डायरेक्टर हैं बोंग जून हो जिनको ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जैक्विन फोनिक्स को दिया गया है जो कि जोकर मूवी में एक्टर रहे, लीड एक्टर। इसके डायरेक्टर हैं टॉड फिलिप्स। इसके बाद बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस, तो रैनी ज़ेलवेगर को ये अवार्ड दिया गया है जूडी फिल्म में लीड एक्ट्रेस के लिए, जिसके डायरेक्टर हैं रॉबर्ट गुल्ड। बेस्ट सपोर्टिंग रोल एक्टर ब्रैड पिट को दिया गया है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, और इसके डायरेक्टर हैं क्वेंटिन टेरेंटिनो। रोल एक्ट्रेस लॉरा डर्न मैरिज स्टोरी के लिए ये प्राइज इनको दिया गया, और इसके डायरेक्टर हैं नो बॉथ बॉम्बैच। इस अवार्ड सेरेमनी में सबसे ज्यादा अवार्ड पैरासाइट मूवी को दिए गए हैं, 4 अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके अलावा मोस्ट नॉमिनेशंस जिसके लिए रहा वो है जोकर मूवी, 11 टाइम्स नॉमिनेट की गई। इसके आगे हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड हिस्ट्री की। फर्स्ट एडिशन 1929 में हुआ था, इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी, और पहली वो मूवी ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली विंग्स, जिसके डायरेक्टर थे विलियम वेलमैन। बेस्ट डायरेक्टर फ्रैंक बोरेच, सेवेंथ हीवन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर एमिल जेनिंग्स और बेस्ट एक्ट्रेस जेनेट गेनोर। फर्स्ट बॉलीवुड मूवी, फर्स्ट इंडियन मूवी जो ऑस्कर में नॉमिनेट की गई, पहली 1958 में, मदर इंडिया। डायरेक्टर महबूब खान जिन्होंने मदर इंडिया को बनाया, मूवी को बनाया। इसके आगे हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ इंडियन ऑस्कर अवार्ड विनर। अभी तक चार भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। फर्स्ट इंडियन To win this award, भानु अथैया, 1983 में इनको ये अवार्ड दिया गया था ऑस्कर में, और इनको ये अवार्ड दिया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। रिचर्ड एटनबरो की गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। दूसरा 1992 में सत्यजीत रे को ये अवार्ड दिया गया था, ऑनरी एकेडमी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर इंडियन फिल्म सिनेमा के लिए इनको ऑस्कर ये दिया गया था। सत्यजीत रे फर्स्ट बंगाली डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी पहली मूवी पाथेर पांचाली बनाई थी। इसके आगे हम बात करते हैं गुलजार साहब,
2009 में इनको ये अवार्ड दिया था बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए, जय हो सॉन्ग लिखने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था फॉर स्लम डॉग मिलेनियर मूवी के लिए, और इसी सॉन्ग को कंपोज करने के लिए एआर रहमान को 2009 में बेस्ट कंपोजर का जय हो सॉन्ग के लिए स्लम डॉग मिलेनियम के लिए ये अवार्ड दिया गया था। इसके आगे हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी की तरफ, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020। ऑस्कर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा फिल्म सिनेमा में दिया जाने वाला अवार्ड है। इसके बारे में एक और चीज की गोल्डन ग्लोब अवार्ड सिनेमा में टीवी सीरीज के लिए, टेलीविजन शो के लिए भी यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी दो कैटेगरी हैं, जैसे द एक्सीलेंस अवार्ड इन फिल्म एंड टेलीविजन शोज के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, और इसे होस्ट कहाँ किया जाता है एवरी ईयर, तो कैलिफोर्निया यूएस में किया जाता है। और 2020 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 77th अवार्ड सेरेमनी थी, एडिशन था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें हम बात कर लेते हैं फिल्म कैटेगरी में, फर्स्ट बेस्ट फिल्म इन ड्रामा 1917 को दिया गया है, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल एंड कॉमेडी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सैम मेंडेस को 1970, बेस्ट एक्टर जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ऑस्कर भी मिला है, और 2020 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया है तो जैकविन फोनिक्स जोकर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेलवेगर जुड़ी मूवी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग रोल ए मेल एक्टर ब्रैड पिट, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लॉरा डर्न। ध्यान रखिएगा इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड लगभग ऑस्कर के ऑफ इंडिया IFI, इसका 50th एडिशन था जिसे ऑर्गेनाइज कराया गया। इसे स्पॉन्सर कौन करता है, कंडक्ट कौन कराता है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में इसे अपॉइंट किया जाता है।
ये गवर्नमेंट बॉडी है और 50th एडिशन 2019 गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका फर्स्ट एडिशन 1952 में मुंबई में कराया गया था। फोकस कंट्री 2019 की रही रशिया। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं। और 2019 का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस मूवी को दिया गया, तो पार्टिकल्स को दिया गया, जिसके डायरेक्टर हैं ब्लेस हैरिसन। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लीजो जोस को दिया गया है, जिन्होंने जलीकट्टू मूवी बनाई